हेलो टू ऑल पिजन लवर्स, मैं पिजन टिप सुभाषिश चैन से, मैं सुभाषिश कोलकाता से। तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ पर्सनल काम की वजह से बिजी था। क्योंकि दोपहर के टाइम पे मैं ये वीडियो शूट करता हूँ, रात को वीडियो एडिट करता हूँ, फिर अगले दिन मैं अपलोड करता हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और रात को जागने की वजह से क्या होता है, सुबह उठने में भी प्रॉब्लम होता है, सुबह भी मैं निकल जाता हूँ, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है कबूतरों का मतलब वाइट और ग्रीन डायरिया, मतलब क्या कहे, चूना सवज बीट, जो हम बंगाली पे कहते हैं चून सबुज पायखाना। ग्रीन और वाइट रहता है, वाइट कलर का रहता है, आप ये फोटोज वगैरह देखिए, मतलब पूरा वाइट वाइट रहता है, फिर उसमें ग्रीनिश ग्रीनिश रहता है, कबूतर कमजोर हो जाता है, सुस्त हो जाता है, धीरे धीरे कई कबार क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है, वो अपने पैरों पे ऐसे बैठ जाता है, फिर मर जाता है, या फिर बहुत ही सूखे में आ जाता है, एकदम हड्डी, सीने की हड्डी वगैरह निकल जाता है, फिर भी वो मरता है, या फिर कभी कभार थोड़ा थोड़ा लकवे में भी चला जाता है। तो ये एक तरीके का वायरस का अटैक है, अचानक से ये बीमारी आया, स्पेशली ये पहले नहीं देखा जाता था। बहुत सारे लोग इसको एडिनो वायरस भी कहते हैं, ठीक है, एडिनो वायरस, लेकिन ये एडिनो वायरस है क्या मैं नहीं जानता, क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीज में मैंने सुना था वहाँ पे होता था, यहाँ पे इंडिया में या कह ले बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान कहीं पे नहीं दिखा गया। लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि भाई ये बहुत बीमारी फैला है, लगभग ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है, 3 से 4 दिन का टाइम देता है कबूतरों का, उसके बाद ये कबूतर मर जाता है। तो ये क्या है, कैसे हुआ, मेरे घर पे भी एक बार हुआ था, तो मैंने कैसे इसको ठीक किया था, क्या मैंने ट्रीटमेंट किया था, पूरा डिटेल्स इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल पिजन टिप सुभाषिश को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन पूरा फ्री होता है। और अभी तो क्या सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्राइब बटन काला हो गया, आपको क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने और एक चैनल बनाया है जे वर्ल्ड इन्फो करके, तो ये मेरा ही चैनल है, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने चैनल का लिंक डाल दूंगा। और इस चैनल पे मैं अलग तरीके के कंटेंट का वीडियो बनाऊंगा, मतलब पूरा डिफरेंट तरीके का, वो कैसा वीडियो आएगा आप चैनल को विजिट करें आपको पता चल जाएगा, एकदम अलग अलग तरीके का वीडियो रहेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वो भी पूरा फ्री है। तो अब सवाल आता है, आप पूछोगे कि जे नाम से आपने क्यों चैनल बनाया, आपका नाम तो सुभाषिश है, सुभाषिश एस से स्टार्ट होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये चैनल मैंने अपने माँ के नाम पे बनाया है, क्योंकि आज जो कुछ भी आपके सामने हूँ, जो भी ये मेडिसिन ट्रीटमेंट वीडियो वगैरह बना के आप सबको मैं देता हूँ, इन सब का क्रेडिट कहीं ना कहीं उनको ही जाता है। क्योंकि आज से लगभग 5 से 6 साल पहले मेरे घर पे कबूतरों का बहुत बीमारी होता था, उस टाइम पे मुझे इतना भी कुछ नॉलेज नहीं था, ज़्यादातर पॉक्स और लकवा झोला, जिसको हम यहाँ पे कोलकाता में टाल कहते हैं, और पॉक्स मतलब तुक में माता दाना जो भी कहते हैं आप लोग, जिसको पिजन पॉक्स या फाउल पॉक्स कहा जाता है, मतलब फोड़ा फुंसी होता है ना बच्चों को, ये वाला प्रॉब्लम हमेशा से मेरे घर पे चलता था। मैंने भी दूसरे चैनल्स वीडियोस देखे, लेकिन मेरे कोई रिजल्ट नहीं आया। जो भी बड़े बड़े आज के टाइम पे वो लोग बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच गए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो भी मैं वीडियोस देखता था, लेकिन यकीन मानिए मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि मैं परेशान हो गया था और मैं कबूतर पालना छोड़ने वाला था। मैं ये भी सोचता था कि यार कबूतर वबूतर पाल के मैं बेकार मुसीबत में पड़ गया, इससे अच्छा तो मेरा बर्ड्स था, क्योंकि मैं पहले बर्ड्स पालता था। तो मेरी माँ ने मुझे सजेस्ट किया कि तू ये सब वीडियो छोड़, किसी अच्छे डॉक्टर ढूंढ, किसी मेडिसिन एक्सपर्ट से कंसल्ट कर। उन्होंने मुझे हौसला दिया कि तू इतना मेहनत करता है कि कबूतर को तो इतना मतलब साफ सुथरा रखना, बच्चों को पकड़ के खाना खिलाना वगैरह, इतना मतलब जो भी मेंटेन मैं करता हूँ मैं आपको वीडियोस में दिखाता हूँ। तो कहते थे हार मत मान, फिर से स्टार्ट कर, जो हो गया वो हटा, इन लोगों की वीडियो देखना बंद कर, अपना दिमाग चला, किसी प्रोफेशनल पोल्ट्री एक्सपर्ट या कोई बर्ड एक्सपर्ट का जो डॉक्टर है या फिर कोई वेटरनरी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर। तो उनकी बात मैंने सुना, फिर जो हमारे यहाँ पे कोलकाता का सबसे बड़ा वेटरनरी हॉस्पिटल, कोलकाता क्या पूरे वेस्ट बंगाल पूरे इंडिया का एक बहुत ही बड़ा एक वेटरनरी हॉस्पिटल है, बेलगाछिया वेटरनरी हॉस्पिटल, तो मैं वहाँ पे जाता था टिकट कटवा के। सरकारी हॉस्पिटल है लेकिन बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है, वहाँ पे हर तरीके के जानवरों का ट्रीटमेंट किया जाता है, वहाँ पे बर्ड्स पोल्ट्री और पिजन का भी होता है। तो वहाँ पे मैं जाता था, धीरे धीरे कंसल्ट करता था, करते करते फिर कुछ जो हमारे यहाँ पे मेडिसिन जिनका मैं वेटरनरी शॉप इन कोलकाता कमला मेडिकल स्टोर एक मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ पे भी मैं जाता था, उनसे थोड़ा सा डिस्कस करता था मेडिसिन, ये सब करते 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 रिसर्च करते करते मैंने वो चीज़ सीखा, और वो जो फॉर्मूला मतलब आज जो मैं आप सबको देता हूँ, 1-1.5 साल तक कंटिन्यू किया, फिर मैंने खुद अपने घर से बीमारियों को भगाया, पॉक्स और लकवा झोले को भगाया, फिर डिसीजन लिया कि मैंने एक चैनल बनाऊं। और चैनल पे ये वीडियो बनाना भी ठीक से नहीं आता था क्योंकि मैं नर्वस हो जाता हूँ, तो उन्होंने ही मुझे हौसला दिया कि तू कर रहा है, इतने मेहनत से जो ये चीज़ सीखा है इसको ज़ाया मत जाने दे, ताकि लोगों तक भी पहुँचा, ये सोशल मीडिया यूट्यूब के जरिए से तू सोशल मतलब सबको पहुँचा। तो उनकी बात से ही मैं ये आज कर पाया हूँ, मैं चाहता था कि उनके लिए मैं कुछ करूँ, तो इसीलिए मैंने उनके नाम पे ही चैनल बनाया है।
आप लोग मुझे ही देखोगे उस चैनल के वीडियो में, मैं सब मैं ही करूंगा, सिर्फ मैंने नाम उनका रखा है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज जो कुछ भी हूँ या जो कुछ भी आप सबसे शेयर करता हूँ उनके ही बदौलत, उस टाइम पे अगर उन्होंने मुझे ये मोटिवेट ना किया होता तो आज शायद आप लोग मुझे जानते भी नहीं, पहचानते नहीं। तो चलिए मैं फिर से टॉपिक पे वापस जाता हूँ। मैं एक कबूतर मार्केट से भी लाया था तो उसको हुआ था, उससे भी दो चार को हो गया था, लेकिन मैंने ठीक कर लिया। तो कैसे मैंने ठीक किया, क्या टेक्निक था, क्या मेथड था और क्या मैंने मेडिसिन था, क्या वो प्रोसेस था, पूरा इस वीडियो पे बताऊंगा। तो रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए मैं आपको वो मेडिसिन दिखाता हूँ। तो शाम के टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही एक मतलब क्या कहें, क्रिटिकल एक वायरस आया है, ये मतलब फैलने वाला बीमारी है। तो इस वीडियो पे मैं जो इन्फेक्टेड कबूतर है उसको कैसे ठीक करेंगे, उसके साथ साथ जो कबूतर अभी नॉर्मल है जिसको ये बीमारी नहीं हुआ है उसको भी इस बीमारी से कैसे बचाएंगे, पूरा वाला मेथड मैं दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, इस बीमारी पे जो ये चूना सबज बीट करता है, ग्रीन वाइट बीट करता है, तो इसमें सबसे अच्छा मुझे जो रिजल्ट मिला था वो था ये है नियोडॉक्स फोर्ट पाउडर। मैंने पहले भी दिखाया था नियोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन सोल्यूबल पाउडर। अच्छा, इसका और एक सब्सटीट्यूट ब्रांड ये है, देखिए वेंडोक्सिन, सेम टू सेम कॉम्पोजिशन है, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेडिसिन है दोस्तों, ये जो भी आप कबूतर पालते हो घर के, आज के जो टाइम पे जो प्रॉब्लम्स हो रहा है कबूतरों के साथ, तो मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि इस तरीके का एक एंटीबायोटिक आप घर पर ज़रूर रखा करें। तो अगर आपको ये मिलता है तो ये लीजिएगा, अगर ये नहीं मिलता है तो आप ये लीजिएगा। अगर कोलकाता से मेरी वीडियो देख रहे तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, देखिए ये जो वेटरनरी शॉप है ये आपको कोलकाता में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। अगर आप कोलकाता के बाहर से हो, मतलब दूसरे विलेज साइड से हो या दूसरे स्टेट से हो, आपके वहाँ पे अगर ये मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो इसका भी मैंने बंदोबस्त कर दिया है। ऑनलाइन मेडिसिन एक सप्लाई करते हैं, एक दुकान है, शॉप है, उनका भी मैंने वीडियो बनाया, देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा। जो ऑनलाइन मेडिसिन सेल करते हैं तो आप उनसे ऑर्डर करके ये मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। अब आता हूँ कि जो कबूतर को ये बीमारी हुआ है, ये वायरस का अटैक हुआ है, उसको कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले उस कबूतर को एक सेपरेट केज में रखें, क्योंकि जब कबूतर कमज़ोर सुस्त बीमार पड़ता है तो क्या होता है, उसके साथ दूसरे कबूतरों के साथ बिल्कुल रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फैलने वाला बीमारी है, मतलब स्प्रेडेबल डिजीज़ होता है। तो इसको अलग रखें। और दूसरा जो प्रॉब्लम होता है, जो ये कमज़ोर पड़ जाता है, वीक रहता है, तो बाकी जो ताकतवर कबूतर होता है उसको ठोकर मार मार के और बीमार कर देते हैं या फिर वो मर ही जाता है। तो सबसे पहले ऐसा सेपरेट केज कीजिए, जैसे मैं फोटो में दिखा रहा हूँ, आप देखिए ऐसा एक केज रखे, उसको रखे, लेकिन पूरा भी कबूतरों से डिटैच मत करें, क्योंकि वो डर से मर जाएगा। अच्छा, उसको कंटिन्यू जो आपको ट्रीटमेंट करना है, आप ध्यान से देखिएगा, मैं दिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको ये मिला है तो ये, या तो ये मिले तो ये लेना। अच्छा, ये सब सैंपल्स है, देख सकते हो यहाँ पे कटिंग है, ये सारे सैंपल्स है। ऐसे आपको मेडिसिन बिल्कुल नहीं रखना है, आप जैसे मैं करता हूँ मेडिसिन को ऐसे मैं मोड़ के सीता हूँ, यहाँ पे पिन लगाता हूँ, मतलब एक तरीके का जो जेंट स्क्रीप होता है वो लगा के वो ऐसे प्लास्टिक पे रखता हूँ, न्यूज़पेपर पे मोड़ पे, क्योंकि इनका जो ये चीज़ होता है ये नुकीला और शार्प होता है, इसमें ढक के इसमें रखता हूँ। और मेडिसिन कभी भी छत पे मत रखे, हम कबूतरबाज अक्सर ये गलती करते हैं कि छत पे जहाँ पे कबूतर पालते हैं आसपास कोई खाना पेटी या बॉक्स में मेडिसिन रख देते, लेकिन वो मेडिसिन दोस्तों सनलाइट या हीट के वजह से खराब हो जाता है। जो मैं करता हूँ, जब भी मुझे मेडिसिन ज़रूरत पड़ता है, मैं अपने घर पे नीचे घर पे जहाँ रहता हूँ रूम टेम्परेचर पे मेडिसिन रखता हूँ, चाहे एंटीबायोटिक हो, विटामिन, कैल्शियम, कुछ भी, तो मैं लेके आता हूँ, जो ज़रूरत पड़ता है देता हूँ, फिर मैं अपने घर पर लेके चला जाता हूँ। तो आप भी ऐसा करें, क्योंकि मेडिसिन ख़राब हो गया, जितना भी दे दो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका रिएक्शन भी हो सकता है। अगर एक कबूतर बीमार हुआ है सपोज़, उसको आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसा एक कैप ले लीजिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था पिजन मोल्डिंग टिप्स पार्ट 3 विटामिन फॉर पिजन, उस पर मैंने एक विटामिन दिखाया था मल्टीस्टार लिक्विड। तो आप अगर मल्टीस्टार खरीदते हो छोटा वाला, मतलब 100-120 ml के 100 ml का होता है वो, अगर खरीदते हो तो आपको ये चीज़ आपको वो फ्री मिलेगा, ठीक है। एक कबूतर के लिए एक चिमटा, मतलब हिंदी पे कहे तो एक चुटकी, ठीक है, एक चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं, एक चुटकी इसमें डालना है। अच्छा, और उसके साथ देना है आपको एक चुटकी ये इलेक्ट्रॉल देना, एक चुटकी इलेक्ट्रॉल पाउडर, देख लीजिए ये आपको ह्यूमन मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, ये सबसे बेस्ट होता है, ORS से ज़्यादा इलेक्ट्रॉल अच्छा होता है। ये भी देखिए कैसे मैं रखता हूँ, और सभी मैं ऐसे एयरटाइट डब्बे में रखता हूँ, खुला ऐसे कभी भी नहीं रखता, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा। तो आपको एक चुटकी लेना है, और उसके साथ साथ ये
लैक्टिक एसिड बेसिलस पाउडर विजिलैक प्रोबायोटिक आपको लेना है। ये अगर ना मिले तो इससे बेटर एक होता है बेफिलैक नाम का एक आता है, देख लीजिए फोटो मैं दिखा रहा हूँ बेफिलैक, वो प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक होता है। तो प्रोबायोटिक क्या करता है कबूतर, ये जब बीमारी पे आता है तो उसका इंटेस्टाइन मतलब अंतड़िया या सिस्टम जो होता है पूरा ट्रैक क्लॉप्स हो जाता है या कहले पोर्ट जाम हो जाता है, और पोर्ट जाम होकर भी कबूतर मर जाता है क्योंकि अंदर का जो सिस्टम है वो ब्लॉक कर देता है। नियोपेप्टाइन टॉनिक या डाइजेस्टिव एंजाइम टॉनिक देने के लिए कहा जाता है, लेकिन ऐसा मैं कर चुका हूँ ये गलती मत कीजिए, उसके जगह आप ये प्रोबायोटिक दीजिए मतलब लैक्टिक एसिड बेसिलस, ये इंटेस्टाइन को ठीक करता है। अगर कबूतर वॉमिटिंग कर रहा है इस टाइम पर ये भी इसको रोकेगा, ठीक है। तो इससे बेटर होता है बेफिलैक। अगर आपके पास फ्लोराजोन उससे भी अच्छा होता है, फ्लोराजोन देख लीजिए फोटो, फ्लोराजोन ये ऑनलाइन अमेजोन पे मिलता है, ऑफलाइन मार्केट में ये नहीं मिलते लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होता है। जिनके पास फ्लोराजोन है मतलब वो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक मिक्स होता है वो बेस्ट होता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और प्रोबायोटिक क्या है इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस पे बताना पॉसिबल नहीं है। तो ये देना है आपको एक चिमटा, जैसे मैंने कहा ये एंटीबायोटिक जो है एक चिमटा इसमें डालना है, इलेक्ट्रोल एक चिमटा इसमें डालना है, और अगर आप ये विजिलैक या बेफिलैक या फ्लोराजोन लेते हो तो इसमें एक चिमटा डालना है। डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी आपको ऐड करना है, जस्ट थोड़ा सा पानी, इतना सा, ज़्यादा नहीं। मान लीजिए ऐसा 3 ml का सिरिंज आपको यूज़ करना है, 3 ml का सिरिंज, ये 3 ml का सिरिंज आता है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये 3 ml का, ये देख लीजिए 3 ml का सिरिंज मैं नया लाया हूँ, ये सबसे बेस्ट होता है। कभी भी बीमार कबूतर को ज़्यादा बड़ा सिरिंज इस्तेमाल मत करें या ज़्यादा पानी मत पिलाए, वो कबूतर वैसे ही मर जाएगा। ऐसा छोटा सा सिरिंज, थोड़ा सा इसमें पानी लेना है, तीन ज़्यादा से ज़्यादा उसको 6 ml पानी पिलाना है, उससे ज़्यादा नहीं इसमें डालना है। डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है आपको, अच्छे से मिक्स करने के बाद सुबह शाम दिन में 2 टाइम उसको पिला दे, खाली पेट, कोई खाना दाना मत दीजिए, खुद खाता है तो ठीक और उसको खाने को भी मत दीजिए। जब कबूतर का कंडीशन अगर बहुत ख़राब हो जाए उसको खाने को मत दीजिए, आप ऐसे ही रखें, क्योंकि सूखा खाना या फिर चना सत्तू, बहुत लोग चना सत्तू खिलाते, ये भी मत खिलाए, कबूतर उससे भी मर जाते हैं दोस्तों। मैं ये गलती कर चुका हूँ, आपको गलती नहीं करना है। दिन में 2 टाइम कंटिन्यू 10 दिन दीजिए, देने के बाद मान लीजिए 3 दिन हो चुका है, कम से कम 3 दिन उसको थोड़ा सा भूखा रखे, कबूतर सूख जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कबूतर सूख जाएगा लेकिन वो मरेगा नहीं, आपको ये चीज़ ज़रूर डालना। अब आप क्या करेंगे, देखिए कबूतर जब सूखे में चला जाएगा थोड़ा हल्का भी हो जाएगा, थोड़ा कमज़ोर होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा 2 दिन में 2 टाइम वो 6 ml करके वो मिक्स एंटीबायोटिक आप देना है। उसके साथ ये देखिए भीगा हुआ गेहूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चने सत्तू खिला देते हैं, बिल्कुल मत करिए, वो कबूतर मर जाएगा दोस्तों। कभी मत चना मत दीजिएगा, बीमार कबूतर को कभी चना मत दीजिएगा। ये है गेहूँ, ये भीगा हुआ गेहूँ है, मैंने पहले भी दूसरे वीडियोज़ में मैं दिखा चुका हूँ, ये सबसे बेस्ट होता है। कोई कोई क्या होता है रोटी देते हैं, तो अगर चाहे तो बासी रोटी उसको सेंकना, ऐसे मत डालना उसको फंगस हो जाता है और भी उसको बीमार कर देगा। बासी रोटी में फंगस रहता है, उसको तवे में सेक लेना मतलब आग में अच्छे से सेकने के बाद उसको छोटा छोटा गोलियां होता है, अगर आप कर सकते हो आपके पास टाइम है तो वो कीजिए, मैं वो नहीं करता। ये इतना सा यही उसके लिए बहुत है, इसको पाचन करने में डाइजेस्ट करने में उसको 24 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे इस बीमारी इस वायरस के अटैक ने अंदर से पूरा सिस्टम बिगाड़ देता है, ठीक है। और सिस्टम अंदर अच्छे से चले इसीलिए मैं ये आपको प्रोबायोटिक दिखाता हूँ, ये देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इंटेस्टाइन सिस्टम जो फ्लोरा होता है उसको ठीक करता है, वॉमिटिंग भी रोकेगा, सिस्टम जो होता है पास आउट करने पर मदद करता है। तो ये आपको देना है सिर्फ 1 टाइम, सुबह भी खाली पेट रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 टाइम आपको देना है, सुबह नहीं शाम के टाइम पे जब आप दे रहे हो वो मेडिसिन, थोड़ा सा 4-5 दाना दे दो, कबूतर नहीं मरेगा, ये उसका पोटे में रहेगा, ये हजम होने पे टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा आप ये मेडिसिन तो दे ही रहे हो, क्योंकि मेडिसिन बंद मत करना, जैसे मैंने कहा जिस क्वांटिटी पे कहा और उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रोल और विजिलैक वो तो देना ही है देना है। फिर उसके साथ जो आपको करना है ये देख लीजिए, ये है न्यूरोबियन फोर्ट। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि न्यूरोबियन फोर्ट लकवे की दवा, क्योंकि यूट्यूब सोशल मीडिया पर भर भर के यही चीज़ कहा जाता है कि लकवा, भाई लकवा नर्वस सिस्टम को जोड़ने में मदद करता है, ये लकवे की दवा नहीं है, ये बहुत अच्छा एक बी कॉम्प्लेक्स सोर्स होता है। देख लीजिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है बी कॉम्प्लेक्स, कबूतर कमज़ोर कबूतर को मतलब फिर से उसका एनर्जी वापस लाने पे मदद करता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, मतलब बेस्ट बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट है। कभी भी कबूतर कोई सुस्त होता है या सूखे में भी पड़ता है तो मैं यही देता हूँ। और उसके साथ साथ आपको ये लीफ 52 टैबलेट, ये ह्यूमन वाला है, एक वेटरनरी मिलता है, वो आपको नहीं लेना है, आप ये वाला ले लीजिए। ये देखिए अंदर टैबलेट्स होता है, यहाँ पे जिसको पता नहीं देख लीजिए, ये पूरा आयुर्वेदिक होता है, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है दोस्तों, और मैं बहुत सालों से ये ट्रिक फॉलो करता आ रहा हूँ। तो जब मान लीजिए उसका पॉटी थोड़ा थोड़ा टाइट होने लग गया है तो आप कीजिए क्या, क्योंकि कबूतर इस टाइम पे कमज़ोर हो गया है, होगा आपके घर पे भी होगा, थोड़ा सूखे में भी आ जाएगा, सुबह इतना सा उसको नरम गेहूँ खिला दीजिएगा,
पानी पे भिगा हुआ थोड़ा सा, इतना सा, इससे ज़्यादा नहीं, और शाम को भी सेम क्वांटिटी। देने के बाद जैसे मैंने कहा ये पानी देना है, और ये देखिए मैंने टुकड़ा कर लिया, न्यूरोबियन फूड का 4 टुकड़ा किया, लीफ 52 टैबलेट का 4 टुकड़ा, सुबह 2 टुकड़ा, खाना खिलाने के बाद ये 2 टुकड़ा, ये 2 टुकड़ा, मतलब न्यूरोबियन फूड 2 टुकड़ा और लीफ 52 टैबलेट 2 टुकड़ा, ऐसे कंटिन्यू 25 से 30 दिन आपको लगातार देना है। देखिएगा कबूतर धीरे 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 वो फिर से कंडीशन पे आ जाएगा, और चाहे तो उसका दुम काट देना, मतलब जो बीमार कबूतर है ना उसका पीछे दुम काट देना, उसको ज़्यादा उड़ाना नहीं, उड़ान बिल्कुल मत देना, क्योंकि कबूतर इस टाइम पे बहुत कमज़ोर हो जाता है, ये वायरस कबूतर को अंदर से पूरा तोड़ के रख देता है। तो ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, आगे एक पार्ट बना रहा हूँ मैं, पार्ट टू, उस पार्ट में दिखाऊंगा कि जो कबूतर अभी नॉर्मल है, जिसको ये बीमारी नहीं हुआ है, उसको इससे कैसे बचाएंगे, इस बीमारी को कैसे भगाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जितने भी सारे आपके कबूतर पहचान वाले, जान पहचान वाले लोग हैं, भाई है, दोस्त है, फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप पर प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे पार्ट टू में मैं बताऊँगा कि बाकी कबूतर जो ठीक है उसको आप कैसे बचाएंगे। ठीक है।